नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कस्टर्ड, और ये कस्टर्ड बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप इसको बच्चों को बना के इसको खिलाएं, और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। और इसमें आम का सीजन चल ही रहा है, इसके लिए हमने आम लिए हैं इस तरह के दो, और इसको हम इसको धो के और साफ करके इसका छिलका निकाल के इसके हम छोटे छोटे टुकड़े इसके हम काट लेंगे, और इसके इस तरह हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और इसके लिए आप जब भी कस्टर्ड या कुछ बनाएं तो इसके लिए रेशे वाले आम ना हो, और आप इस तरह का दशहरी हो या सफ़ेद चौसा है इस तरह का आम लें। इसको हमने काट लिया है और इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, और हमने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और हम लेंगे एक पैकेट दूध, यानी आधा किलो दूध लेंगे, जिससे हमारे 3 से 4 गिलास छोटे वाले गिलास, और इसको हम इस तरह के गिलास में सर्व करेंगे छोटे वाले गिलास में, और इस ग्लास में इसके बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसको हम छोटे ग्लास में सर्व करेंगे। और इसके लिए हमने फुल क्रीम दूध लिया हुआ है, और कस्टर्ड बनाने के लिए हम ये कस्टर्ड पाउडर लेंगे, और ये हम 2 से 3 चम्मच हम बड़े इस्तेमाल करेंगे, और ये थोड़े से कटे हुए बादाम लेंगे, और चीनी करीब हमारी ये आधा किलो दूध में करीब 50 ग्राम चीनी हमारी है, और सजावट के लिए हम ये थोड़े से ये चॉकलेट वेफर्स इस तरह के लेंगे। सबसे पहले दूध को हम बॉईल करेंगे, और दूध को हमने एक पतीले में निकाल लिया है, और इसको हम बॉईल कर लेंगे। और अब हम एक कटोरी में ये कस्टर्ड पाउडर लेंगे। हमने इसमें कस्टर्ड वनीला ला लिया है, आप कोई भी फ्लेवर में ले सकते हैं, मगर इसे मैंगो में भी वनीला बहुत बढ़िया लगता है, तो इसके लिए हमने 3 चम्मच हमने कस्टर्ड लिया है। और कस्टर्ड को जब भी आप घोलें तो उसको गर्म पानी में बिल्कुल ना घोलें, इसको ठंडे पानी में या ठंडे दूध में ही इसको घोलें, और जब तक दूध बॉयल हो रहा है जब तक हम इसको कस्टर्ड को ठंडे पानी में करीब इसको हम घोल लेंगे, और गर्म दूध या गर्म पानी में इसको ना घोलें, नहीं तो इसमें गुलतियाँ बन जाती हैं और ये सही से घुलेगा नहीं। और देखिए अच्छे से ये घुल गया है, और देखिए दूध भी हमारा ये बॉयल हो चुका है। अब इसको हम चलाते हुए इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, वैसे हमारा ये दूध फुल क्रीम दूध है, और इसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, इसमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। और कस्टर्ड वगैरह जब भी कभी आप सर्व करें इसको ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के बाद ही इसको सर्व करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ठंडी अच्छी लगती हैं। और हमने आम को काट के फ्रिज में रख दिया है, वो ठंडा हो रहा है, और इसके बाद इसको भी रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। और देखिए दूध भी काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, और इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। अब इसमें हमने ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर को जो घोला था इसको एक बार फिर चला लेंगे, क्योंकि थोड़ा से नीचे जम सा जाता है, और एक बार चलाने के बाद इसको हम बराबर धीमे धीमे डालते जाएंगे, और इसको हम चलाते जाएंगे। देखिए डालते ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको फौरन हम बंद कर देंगे गैस। देखिए इस तरह है, और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा जम सा भी जाएगा, इसको बस इतना ही हमें रखना है। और गैस ऑफ कर देंगे, और इसको हम ठंडा होने के बाद इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे करीब 1.5 घंटे के लिए। और आपको हम बताना एक भूल गए थे, यानी इसमें डालना भूल गए थे, इसमें हमने थोड़ी चीनी डालना, तो चीनी आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं, तो इसको हम चीनी डाल के इसको 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे, और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए चीनी भी अच्छे से हो गई, अब इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, और फ्रिज में रखे हुए कस्टर्ड को काफ़ी देर हो गया, इसको ठंडा हो गया ये कायदे से, और देखिए कितना थिक हो गया ये,
और हमने मैंगो को भी जो इसके डाइस छोटे छोटे काटे रखे हैं ये भी काफ़ी ठंडा हो गया। अब इसको हम इन छोटे ग्लासों में इनमें सर्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे और इसमें हम ये डाइस किए हुए हम मैंगो डाल देंगे। उसके बाद हम फिर थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे और फिर इसी तरह हम इसकी तह लगाते जाएंगे। और इसको जब भी आप दें ठंडा ही दें और ऊपर से हम फिर इसमें ये ठंडे ठंडे हम आम को इस तरह डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा ये डाल देंगे। और देखिए इस तरह ग्लास ये हम तैयार कर लेंगे और सेम हम उसी तरह दूसरा ग्लास भी हम तैयार कर लेंगे और इसमें भी हम थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे और इसमें हम ये कटे हुए आम डाल देंगे। और फिर थोड़ा सा हम कस्टर्ड डालेंगे और फिर हम इसमें एक से दो चम्मच हम आप चाहे तो इसको बड़े ग्लास में भी बना सकते हैं या कटोरी में भी। थोड़ा सा फिर हम कस्टर्ड इसमें डालेंगे अब इसके ऊपर हम ये बादाम रख देंगे। और संग में ही हम ये चॉकलेट वाला वेफर्स लगा देंगे। लीजिए हमारा स्वादिष्ट मैंगो कस्टर्ड बनके तैयार है। आप इसको हमारे दिए तरीके इसको बनाएं और ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इसको आप जब भी सर्व करें इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करें और इसको बड़े और बच्चे सभी खा के इसके बड़े खुश होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।